ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। पानी की गहराई में कई काले साए छिपे हैं। जी हाँ, सैन फ्रांसिस्को में कई परिवारों को ये साए अपने साथ नीचे इन्हीं गहराइयों में खींच ले गए। आखिर वो कौन है जो एक खूबसूरत लेक की गहराइयों में छिपकर लोगों की जाने ले रहा है? क्या कोई ऐसा जिसकी कब्र को जमीन नसीब नहीं हुई? स्टो लेक में रहने वाली रोह का सामना करने वाले कुछ लोगों से सुमंतोरे ने खुद बात की। उन्हीं में से एक है रिचर्ड। हाय सुमंतो, आई एम रिचर्ड। हेलो रिचर्ड, इट्स गुड टू सी यू। ये जगह एक्चुअली थोड़ी अजीब है। एक बड़ी अजीब सी वाइब है यहाँ। अब मैं समझा कि आपने मुझे यहाँ शाम को आने के लिए मना क्यों किया। उस शाम भी मैं अपनी दोस्त सुजैन के साथ इसी बेंच पर बैठा था। और ये स्टैचू? ये स्टैचू उसी औरत की है, राइट? रिचर्ड, मुझे पूरी घटना जरा खुल के बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम दोनों कॉलेज के बाद यहाँ आए, यू नो, टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। कि एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई डूब रहा है। लेट्स गो एंड सी। यहाँ तो कोई नहीं है। हम वापस आकर इसी बेंच पर बैठ गए। रिचर्ड, कोई बैठा है। कहाँ? तुम्हारे बगल में। मेरा बच्चा। रिचर्ड, मेरा बच्चा कहाँ है? रिचर्ड रान, रिचर्ड भागो। कहाँ है मेरा बच्चा? मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाहता था पर मेरा शरीर जैसे जम गया था। और फिर उसके पूरे शरीर में आग लग गई। एक जलती हुई औरत हमारे सामने खड़ी थी। सुजैन ने मुझे खींचा और किसी तरह से मैं भाग पाया। वो हमारे पीछे थी। इसी आग में तुमने मेरे बच्चे को जलाया था। इसी आग में जल के मरोगे तुम सब। इसी आग में जल के मरोगे तुम सब। और फिर वो भागते हुए हमारे पास पहुंच गई, लेकिन हमारे आर पार निकल गए। हम देखते ही रह गए और सुजैन के बालों में आग लग चुकी थी। रिचर्ड, मेरे बाल। रिचर्ड, मुझे बचाओ। सुजैन को बचाने के लिए हम लेक की ओर भागे ताकि पानी से आग को बुझा सके। जैसे ही सुजैन पानी में गई, रिचर्ड सर मुझे नीचे खींच रहा है, मुझे बचाओ। मैंने सुजैन का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। सुजैन, प्लीज ट्राई करो। सुजैन, मेरा हाथ पकड़ो। मुझे बचाने को कोई नहीं आया था। नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। ओह शिट, सुजैन कैसे भी, प्लीज बाहर आओ। सुजैन प्लीज बाहर आओ। और फिर एक जलती हुई बोट हमारी ओर आ रही थी। वो खाली थी लेकिन उसे कोई रो कर रहा था। और वो बोट तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। तो आपने क्या किया? मैं वहां से भाग आया। सुजैन को अकेला छोड़कर वहां से भाग आया। देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये रूह, ये घोस्ट किसका है और ये बच्चे के पीछे की क्या स्टोरी है? ये रूह एक औरत की है। उसका नाम तो मैं नहीं जानता पर जो उसके साथ हुआ वो जरूर आपको बता सकता हूँ। करीब 1905 की बात है। एक औरत अपने एक दोस्त के साथ यहाँ इसी ब्रिज पर बैठी थी जहाँ आज आप और मैं बैठे हैं। उसके साथ उसका छोटा
दो महीने का बच्चा भी था जो प्रेम में था। बहुत ही अच्छा। अच्छा सुन, अंधेरा हो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ टाइम तो रुक। अच्छा तो फिर चल, नीचे बोटिंग करने चलते हैं। ओके डन। चल। ब्रिज के ऊपर से एक लड़कों का ग्रुप जा रहा था। उन्होंने अपनी सिगरेट बड़ लापरवाही में हवा में फेंक दी। वो सिगरेट बट जाकर प्रेम में गिरी और उसमें आग लग गई। माँ ने जब ब्रिज से आती हुई आग की लपटे देखी और बच्चे की रोने की आवाज सुनी, वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? आग, अरे कोई आग, आग बुझाओ। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। कोई है, कोई बचाओ प्लीज, कोई मदद करो। Somebody help, please, मेरा बच्चा, कोई मदद करो प्लीज, कोई बचाओ। वो डिसबैलेंस हुई और वो लेक में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था और उसकी दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। जेनिफर, कहाँ जा रही हो तुम? जेनिफर प्लीज सेव माय किड, जेनिफर प्लीज, कोई बचाओ, कोई मदद करो। इसके बाद सुमंतुरे ने फ्रांस के टोबी से बात की। टोबी जो सैन फ्रांसिस्को घूमने आए थे, लेकिन शायद ये उनकी सैन फ्रांसिस्को की आखिरी ट्रिप थी। टोबी, जब आप स्टो लेक के ब्रिज पर आए तो आपके साथ एक हादसा हुआ, क्या हुआ था मुझे जरा खुल के बताएंगे? मैं स्प्रिंग ब्रेक में सैन फ्रांसिस्को गया था। वहां मेरी मुलाकात रोजेलिन से हुई। शी वॉज वेरी प्रिटी। हम बहुत जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। उसने मुझे सैन फ्रांसिस्को दिखाने का वादा किया। एक दिन हम डिनर के लिए बाहर गए। तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो बताओ हम कल कहाँ जा रहे हैं? रोजेलिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। हम किसी से मिलने जा रहे हैं। किससे? द घोस्ट ऑफ स्टो लेक। व्हाट? क्यों, तुम्हें डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विल गो। अगले दिन मैंने कई बार उसे फोन किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। और फिर अचानक शाम को 7 बजे उसका फोन आया। हेलो, कहाँ थी तुम? सुबह से कितनी बार फोन किया है मैंने। मुझे रोशनी पसंद नहीं है। तो आर यू रेडी? रेडी फॉर? टू मीट द घोस्ट ऑफ स्टो लेक। ओके, लेट्स गो। कूल, तुम मुझे ठीक आधे घंटे में स्टो लेक ब्रिज के ऊपर मिलो। डन। मैं स्टो लेक ब्रिज पे पहुंचा पर वहां कोई नहीं था। मैंने फिर से रोजेलिन को फोन किया। कहां रह गई है? मैं आवाज को फॉलो करते करते नीचे पहुंचा तो देखा सामने रोजेलिन लेक में एक बोट पे बैठी थी। वेल हेलो। उसने वाइट ड्रेस पहनी थी जो अंधेरे में ग्लो कर रही थी। वो इस अंधेरे में अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कम, आ जाओ मेरे साथ। मैं बोट पे बैठ गया और जैसे ही हम लेक के बीचों बीच पहुंचे, मैंने देखा कि उस बोट में छेद है। अरे रोजेलिन, हमारी बोट डूब जाएगी, चलो इसे जल्दी से किनारे पे ले चलते हैं। रोजेलिन, इस बोट पर आज तक कोई नहीं बचा, तू भी नहीं बचेगा। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। उसकी आंखें खून सी लाल थी। वो गुस्से से मेरी ओर देख रही थी और फिर पूरे लेक में आग लग गई, जैसे जैसे पानी पे तेल की परत हो। कूदो, पानी में कूदोगे? कैसे बचाओगे अपनी जान? एक तरफ पानी है और एक तरफ आग।
कैसे बचाओगे? कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। मैं ही तो हूँ द घोस्ट ऑफ स्टोन एज। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जाना है, जाना है तो उस ब्रिज के ऊपर मेरा बच्चा है, उसे बचाओ पहले। मैंने ऊपर देखा तो ब्रिज पे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो अचानक अपने बच्चे के लिए गाने लगे। वो बच्चा बस रोता ही जा रहा था। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ कोई, मेरे बच्चे को बचाओ। उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। अगले दिन मैं ब्रिज के ऊपर बेहोश मिला। मेरा पूरा शरीर आग से झुलस चुका था। कहते हैं कि द घोस्ट ऑफ स्टो लेक एक मां की रूह है जो ब्रिज पर रहती है। तो सवाल है कि फिर वो मां की रूह टोबी को ब्रिज तक खींच कर क्यों लाई, क्योंकि टोबी तो वहां का रहने वाला भी नहीं था। इन दोनों घटनाओं में कुछ समानताएं हैं, पर साथ ही कई अनसुलझे सवाल भी। तो क्या ये रूह सच में एक मां की रूह है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है, या फिर इंसानी खौफ ने एक रूह की शक्ल अख्तियार कर ली है? इस सवाल का जवाब ढूंढिए, क्योंकि मैं फिर आपके सामने आऊंगा ऐसी ही एक नई और खौफनाक कहानी के साथ, जिसे सुनकर आप कह पड़ेंगे।